मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। जनता और शिवराज सिंह चौहान का रिश्ता ऐसे विश्वास की डोरी से बंध चुका है जिसे किसी के आरोप भी तोड़ नहीं सकते। इसलिए उसी जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए मध्य प्रदेश में निकल चुकी है जन आशीर्वाद यात्रा। इस विश्वास की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ऐसी आंधी आएगी जो रोके नहीं रुकेगी। इसका कुछ सबूत भी दिख चुका है। जनता और नेता का रिश्ता अटूट हो जाए तो उस जनता का धन्यवाद करने के लिए निकलती है आशीर्वाद यात्रा। नेता और जनता का विश्वास अटूट हो जाए तब धन्यवाद करने के लिए निकालनी पड़ती है जन आशीर्वाद यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है जो जीतता है और हमेशा से जीत रहे हैं, और इस आसपास की क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए अपने जी जान और तन मन धन से खड़ी हुई है। कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो, बिल्कुल टोटल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। सबसे सही है तो बीजेपी है और मामा ही बेस्ट है मध्य प्रदेश के अंदर। मामा कमलनाथ, कमलनाथ तो फुस्सी है। 15 महीने की सरकार रही, उसमें गड्ढे ही गड्ढे कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर। मामा की सरकार बनेगी, मामा ने सारे काम किए हैं इसलिए मामा की सरकार बनना है। विंध्य के चित्रकूट में जब यात्रा की शुरुआत हुई तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार के 20 सालों की पूरी रिपोर्ट जनता के सामने रख दी और कांग्रेस को चुनौती दी कि वो इसके आसपास भी नहीं। इसके बाद 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा में जोश फूंका और नीमच से यात्रा को नई दिशा दी। राजनाथ सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को सियासत का महेंद्र सिंह धोनी करार दे दिया। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। राजनाथ सिंह के बाद इस यात्रा में जोश फूंकने उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने कहा, मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग संभागों से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई है। 3 सितंबर को अमित शाह ने विंध्य संभाग के चित्रकूट से पहली जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। 4 सितंबर को इंदौर संभाग के खंडवा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा की शुरुआत की। 4 सितंबर को ही उज्जैन संभाग के नीमच से राजनाथ सिंह ने एक जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। 5 सितंबर को फिर अमित शाह ने महाकौशल संभाग के मंडला से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और 6 सितंबर को ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जन आशीर्वाद यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में 10,643 किलोमीटर का सफर तय करना है। इस दौरान कुल 998 जगहों पर इसका स्वागत होगा और 679 जगहों पर रथ सभा आयोजित होगी। इसके अलावा 211 बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। 18 दिन तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा का समापन 25 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सड़क के दोनों किनारे पब्लिक की भारी भीड़, फूल बरसाते लोग इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान के नाम के साथ खड़ा है। शिवराज नहीं, शिवराज मामा कहिए, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान को शिवराज मामा कहता है और रिश्ते में माँ का अपनापन होता है, और जिस रिश्ते में माँ का अपनापन होता है वही तो भरोसा होता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ शिवराज का नाम ही गूंज रहा है।